राजधानी के सबसे पुराने रावाभाटा मैदान में इस साल 60 फीट ऊंचा रावण बनाया गया है। साथ ही समिति ने पुरानी परंपराओं को बनाए रखते हुए रामलीला का मंचन और अखाड़े का प्रदर्शन भी किया जाएगा। रावाभाटा के दशहरा उत्सव समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सालों से चले आ रहे इस दशहरा उत्सव आयोजन समिति द्वारा लगातार कुछ नया और अलग करने का प्रयास किया जाता है। इसी कड़ी में इस बार रावणभाटा मैदान में जहां पारंपरिक रामलीला का मंचन किया जाएगा, वहीं शौर्य प्रदर्शन के लिए अखाड़े के लोगों द्वारा दंड चालान और तलवारबाजी का भी प्रदर्शन किया जाएगा। रावाभाटा मैदान में रावण 60 फीट ऊंचे विशाल पुतले के पीछे आधुनिक आतिशबाजी भी की जाएगी। इस आतिशबाजी में इस बार चित्रकूट का झरना दिखाया जाएगा। हर वर्ष की तरह ये जो दशहरा है, इस दशहरे का एक अपना अलग ही रूप है। पारंपरिक दशहरा होता है इस दशहरा मैदान रावणभाटा में। आधुनिकता में ऐसा है कि आतिशबाजी है, आयोजन सांस्कृतिक आयोजन है, ये सब आधुनिकता है। क्योंकि पहले यहाँ पे सिर्फ रावण का वध हुआ करता था, अब आधुनिकता में हम लोग इस सब हर बार अब रावण का पुतला बनाते हैं, कुंभकर्ण का पुतला बनाते हैं, मेघनाथ का पुतला बनाते हैं और उसका जो है दहन करते हैं। दहन में आतिशबाजियाँ होती है जिसमें अनेक प्रकार से हम लोगों ने आतिशबाजी का इसमें रूप आपको देखने मिलेगा। जैसे मैंने बताया अभी कि चित्रकूट का जो जलप्रपात है उसका हमने प्रदर्शन के रूप में आतिशबाजी में इस समय दिखाने का प्रयास किया है। और जैसा कि हर वर्ष यहाँ पर परंपरा के रूप में मनाया जाता है दशहरा, वही दशहरा है। रावणभाटा में आयोजित होने वाले इस दशहरा कार्यक्रम में तकरीबन 25 से 30 हजार लोग पहुँचते हैं। इस आयोजन में न सिर्फ राजधानी बल्कि राजधानी से जुड़े कई लोग भी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी भी बनते हैं। देश टीवी के लिए एस गणेश के साथ ऋषि नेताम की रिपोर्ट।